हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगी और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ह्यूंडई कार की जो कि काफी रेयर आपको देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी, अभी आप कमेंट करके बताओ कि ह्यूंडई की कौन सी कार है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, ये है ह्यूंडई की कोना जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। यहाँ आपको बैजिंग भी मिल जाएगी कोना इलेक्ट्रिक की, और इधर आपको ब्लू ड्राइव की भी बैजिंग मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस कोना में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और शुरुआत इसके फ्रंट से ही करते हैं। यहाँ आपको कुछ इस तरह की कार देखने को मिलती है, और जनरली आपको कार्स में कुछ इस तरह की ग्रिल्स देखने को मिलती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई ग्रिल देखने को नहीं मिलती। सिर्फ आपको यहाँ टेक्सचर देखने को मिलता है, लेकिन ये जो छेद है ये बंद है इसके। यहाँ आपको एक और यूनिक चीज़ दी गई है इसमें, ये देखो, यहाँ आपको पावर सॉकेट देखने को मिलते हैं जिससे आप इस कार को चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई फ्यूल लिड वगैरह देखने को नहीं मिलती, बस यही आप इसकी फ्यूल लिड मान सकते हैं। और इसमें आपको दो पॉइंट मिलते हैं, फास्ट चार्जिंग के लिए ये सॉकेट काम आता है, और अपने जो घर में चार्ज करते हैं नॉर्मल चार्जिंग उसमें ये काम आता है। तो अभी हम इनको बंद कर देते हैं और बाकी कार के बारे में देखते हैं। कुछ इस तरह से बंद हो जाता है, और जितनी भी नई गाड़ियां आ रही है लगभग सब में कुछ इस तरह की फ्यूल लिड आपको देखने को मिलती है। सामने के लोग आप देख पा रहे हैं, यहाँ सेंटर में आपको ह्यूंडई का क्रोम लोगो देखने को मिलता है, और इसमें एक सेंसर भी देखने को मिलता है। अभी सेंसर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस काम में आता है। और किसी भी तरह की कोई जाली वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलती, यहाँ के पास नंबर प्लेट लगाने की जगह देखने को मिल जाती है। और नीचे आपको कुछ इस तरह की स्किड प्लेट देखने को मिलती है जो कि थोड़ी ग्रे कलर में आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें इसकी लाइट्स की, तो यहाँ आपके पास LED DRLs दी गई है, हेलोजन में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और अगर हेडलाइट की बात करें तो आपको यहाँ प्रोजेक्टर हेडलाइट और इसके साथ ही कॉर्निंग लाइट भी देखने को मिलती है। फोक लाइट इस कार में आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ आपके पास एक एयर वेंट दिया गया है जिसमें से एयर इधर की तरफ पास होती है, और इस साइड बात करें तो यहाँ आपके पास एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की लुक निकल के आती है इस कार की सामने से। अभी बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखा दी थी। तो कुछ इस तरह का इसका व्हील आपको देखने को मिलता है। टायर साइज की मैं बात करूं तो 215 55 और 17 की इसमें आपको टायर देखने को मिलते हैं, और व्हील के जस्ट ऊपर यहां आपको ब्लू ड्राइव की बैजिंग देखने को मिलती है। कुछ इस तरह का आपको इसमें और VM देखने को मिलते हैं जो कि ब्लैक और बॉडी कलर के कॉम्बिनेशन में आते हैं। यहाँ आपको वो स्ट्रिप वाली LED लाइट देखने को नहीं मिलती। कुछ इस तरह के इसके टर्न इंडिकेटर है जिसमें दो बल्ब यहाँ दिए गए हैं। बात करें इसके डोर हैंडल की, तो दोनों ही साइड में आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट दोनों डोर्स में। और कुछ इस तरह का आपको ग्लास एरिया देखने को मिलता है, का सेंटर पार्ट आपको ब्लैक देखने को मिलता है। इसमें नीचे बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है जो कि आप देख पा रहे हैं, ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। पीछे की क्लैडिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो कुछ इस तरह की इसकी साइड लुक निकल के आती है। तो साइड प्रोफाइल आपने देख ली है, अभी बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। शुरुआत करते हैं इसके रूफ से। रूफ में आपको आगे सनरूफ देखने को मिलता है, और पीछे आपको कुछ इस तरह का सिंपल एंटीना देखने को मिलता है, और साइड में आपको कुछ इस तरह की रूफ रेल्स देखने को मिलती है जो कि प्लास्टिक के साथ आती है। ये सिर्फ लुक को इनहेंस करने के लिए, इसमें आप कोई भी लोड वगैरह कैरी नहीं कर सकते। बाकी कुछ इस तरह का आपको स्पॉइलर देखने को मिलता है इसमें प्लास्टिक का, और इसी में आपको यहाँ हाई स्टॉप माउंट लैंप देखने को मिल जाता है। ग्लास में आपको डिफोगर और वाइपर दोनों देखने को मिल जाते हैं, और उसके जस्ट नीचे आपके पास यहाँ ह्यूंडई की बैजिंग देखने को मिलती है। इस साइड में आपके पास कोना की बैजिंग है, और इस साइड आपके पास इलेक्ट्रिक की बैजिंग है। बात करें इसकी टेल लाइट की, तो कंप्लीट LED टेल लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है, कहीं कोई भी हेलोजन का इसमें यूज देखने को नहीं मिलता। अगर बात करें नीचे, तो आपको ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, और इंडिकेटर और रिवर्स लाइट इसमें आपको हेलोजन दी गई है। यहाँ भी अगर LED होती तो कुछ ज्यादा अच्छी ये कार लगती। चार पार्किंग सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको यहाँ देखने को मिलती है। जो इसका रियर बम्पर है ये आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिलता है, मतलब बॉडी कलर और ब्लैक का यहाँ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ आपके पास नंबर प्लेट लगाने की जगह है, और यहीं आपके पास HD कैमरा देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर आपने ह्यूंडई की कार देखी है तो इनकी जो कैमरा क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच होती है। और ह्यूंडई के लोगों के ऊपर आप यहाँ हिंदुस्तान की बैजिंग देख पा रहे हैं, यानी कि अभी ये जो गाड़ी है हमें हिंदुस्तान ह्यूंडई ने प्रोवाइड कराई है जो कि जयपुर में है। यहाँ हमारे पास सुनील जी हैं जो कि इस कार के बारे में हमें डिटेल में बताएंगे इन डेप्थ। तो अभी इसका बूट ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ आपके पास रिक्वायर्ड सेंसर देखने को मिल जाता है जिससे आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो आप सामान देख पा रहे हैं ये आपको कंपनी से ही मिलता है, ये एक्चुअल में है क्या वो हमें सुनील जी एक्सप्लेन करेंगे जो कि यहाँ सेल्स कंसल्टेंट है हिंदुस्तान ह्यूंडई में। और अभी ये हमें इन डेप्थ बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें एक चार्जर है जो कि आपके प्रेमिसेस में फिट होता है। ये 7.2 वोल्ट का चार्जर है जो कि 6.25 घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है, और ये आपके प्रेमिसेस में लगता है। और इसके अलावा ये आपका इमरजेंसी चार्जर है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये हालांकि चार्ज तो स्लो करता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी सॉकेट में आपका अलग हो जाएगा, और ये 19 घंटे में फुल चार्ज करता है। लेकिन अपन अपनी जरूरत के हिसाब से इसको जितना अपने को जरूरत है उस हिसाब से चार्ज करके और आगे ड्राइव
कर सकते हैं, किसी भी प्लग में आप लगा सकते हो, कहीं आप अच्छा, में किसी भी ऑफिस में रेस्टोरेंट होटल वगैरह फंस गए, कहीं कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे को 10-20 किलोमीटर जाने पे कोई चार्जर मिल जाएगा या कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई, तो ये आपको मिल जाता है। इसके अलावा ह्यूंडई आपको रोड साइड असिस्टेंस 3 साल के लिए फ्री देती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, कभी आपका आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो जाए, तो आप RSA पे कॉल करके वहाँ से वैन आएगी, वो भी आपकी गाड़ी को चार्ज करके जा सकती है। अच्छा, और मेन चार्जर इसके अंदर मिलता है? मेन चार्ज ये है जो आपके प्रेमिसेस में लगेगा, आप घर में लगा सकते हो, दफ्तर में लगा सकते हो। इसके अलावा जो चार्जिंग ऑप्शंस आपको मार्केट में मिलेंगे, वो 30 वोल्ट और 50 वोल्ट के चार्जर्स ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर 50 वोल्ट का चार्जर होता है तो कोना आपकी एक घंटे से कम समय में 57 मिनट में ही और 85% चार्ज हो जाती है, अगर 50 वोल्ट के चार्जर पे आपने गाड़ी को चार्ज पे लगाया। तो ये दो तरह के चार्जर आपको Hyundai की तरफ से मिलते हैं। बाकी यहाँ आपके पास एक स्ट्रिप दी गई है जिससे आप अपना सामान होल्ड कर सकते हैं, और कुछ इस तरह का आपको स्पेस भी इसमें देखने को मिलता है। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपके पास एक LED लाइट देखने को मिलती है, और यहाँ आपके पास वही स्ट्रिप बांधने के लिए यहाँ कुछ हुक्स दिए गए हैं। बाकी स्पेयर व्हील अगर देखे तो इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, और इसके साइज की मैं बात करूँ तो अरे ये कैसा साइज है, 135 कौन देता है। और स्पेयर व्हील आपको यहाँ बहुत अजीब देखने को मिलता है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 135/80 D17 का आपको टायर देखने को मिलता है। इसके बारे में हम सुनील जी से जानेंगे कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है, और यहाँ आपको टेम्परेरी यूज ओनली भी लिखा हुआ जाएगा। इन डेप्थ आपको सुनील जी बताएंगे इसके बारे में। जो अपना स्पेयर व्हील होता है वो सभी गाड़ियों में आजकल ऑटोमोबाइल नॉर्म्स ये कहते हैं कि स्पेयर व्हील एज ए स्पेयर व्हील ही यूज होना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन होता है। अगर आप स्पेयर व्हील को एज ए टायर यूज करेंगे तो आपके तीनों चारों टायर्स में डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, जबकि ऑटोमोबाइल नॉर्म्स ये कहते हैं कि 5000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में आपको आगे वाले टायर पीछे और पीछे वाले टायर आगे कर लेने चाहिए, इससे आपके टायर्स की लाइफ बढ़ जाती है। जहाँ किसी भी नॉर्मल बंदे की तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग और टायर चेंज नहीं करवा रहा है, उसके टायर जहाँ 40-45 हज़ार किलोमीटर पे ख़त्म हो जाएंगे, अगर प्रॉपर अलाइनमेंट और व्हील चेंज अपन करते रहते हैं तो वही अपन 60 हज़ार किलोमीटर तक टायर्स को यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने टेम्परेरी यूज़ इसलिए लिखा है ताकि इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आए। आपने आपकी गाड़ी पंचर हुई है, स्पेयर व्हील लगाइए। पंचर जब भी आप निकलवाते हैं जल्दी से जल्दी निकलवाना है, और जब भी आप निकलवाते ही साथ के साथ अपना टायर चेंज करिए ताकि बाकी टायर्स का डेप्रिसिएशन सेम रहे और अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए। अभी बात कर लेते हैं आगे की। तो यहाँ आपके पास एक पार्सल ट्रे देखने को मिलती है, और इधर आपके पास यहाँ आइसोफिक्स सीट के लिए हुक देखने को मिल जाता है, थीटर है। बाकी यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही सीट 60-40 स्प्लिट के साथ आपको देखने को मिलती है। बूट कवर हो चुका है। अभी चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो सबसे पहले बात करें डोर की। डोर पे आपको यहाँ हार्ड प्लास्टिक का यूज देखने को मिलता है। ये जो एरिया है ये आपके पास सॉफ्ट टच में देखने को मिलता है। यहाँ आपके पास पावर विंडो का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे इसमें स्पीकर है, और यहाँ आपके पास बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है। अभी सीटों की अगर बात करें तो यहाँ आपके पास चारों ही लेदर सीटें देखने को मिलती है, और पिछली सीट में आपके पास 3 हेडरेस्ट अवेलेबल है, बीच में आपके पास यहाँ आर्मरेस्ट अवेलेबल है, और ये जो सीटें ये काफी लग्जरी देखने को मिलती है। टेक्सचर आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा वेंटिलेशन टाइप देखने को मिलता है, लेकिन रियर सीट में कोई वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन सीट आपको आगे देखने को मिलती है, जिनके बारे में अभी बात करेंगे हम। फीचर्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कोई भी रियर एसी वेंट या पावर सॉकेट यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता। ऊपर अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह की आपको ये छत देखने को मिलती है, जो कि अगेन सॉफ्ट टच के साथ आती है। LED में आपको यहाँ रूफ लाइट देखने को मिलती है, और यहाँ आपके पास छोटा सनरूफ देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूँ मैं ग्लास एरिया की तो ग्लास एरिया भी काफी बड़ा देखने को मिलता है। एक छोटा सा ग्लास आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरह के आपके पास यहाँ डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, और सीटों में आपके पास यहाँ मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है, और ये जो सीट है ये इतनी प्लास्टिक की दी गई है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट सा स्पेस मुझे यहाँ देखने को मिलता है। अगर बात करूँ मैं कंपटीशन जैसे वेन्यू वगैरह से तो उनसे थोड़ा ज्यादा स्पेस मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ बी पिलर पे आपको एयरबैग की बैजिंग दिख रही होगी, यानी कि कर्टन एयरबैग आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। तो रियर मैंने आपको दिखा दिया, अभी बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो एक बार डैशबोर्ड आप यहाँ से देख लो, कुछ अच्छा व्यू आ रहा है, और डिटेल में आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो ये कंप्लीट एरिया आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, और ये एरिया पूरा सॉफ्ट टच है और थोड़ा लेदर फिनिश के साथ आता है। बात करें फीचर्स की तो यहाँ आपको ट्विटर देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह के आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपके पास ORVM फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही साइड के ORVM आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ आपके पास चाइल्ड लॉक का स्विच देखने को मिल जाता है। 4 पावर विंडो आपको यहाँ मिल जाती है, और फ्रंट की जो विंडोज है ये 1 टच डाउन और 1 टच आपको देखने को मिलती है दोनों ही साइड की। नीचे आपके पास यहाँ स्पीकर अवेलेबल
अवेलेबल है और एक बोतल होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। कोई भी अम्ब्रेला होल्डर या ऐसी चीज यहाँ देखने को नहीं मिलती। ड्राइवर सीट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास वेंटिलेटेड 8-way इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट देखने को मिलती है। कुछ इस तरह से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो इंटीरियर की बात करें, इस साइड में आपके पास राउंड शेप में AC वेंट देखने को मिल जाता है और कुछ बटन आपको यहाँ दिए गए हैं। और अभी बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। तो कुछ इस तरह का राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इसी तरह का स्टीयरिंग व्हील आप वेन्यू वगैरह में देख चुके हैं। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपके पास सारे मीडिया के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और इस साइड आपके पास क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और MID कंट्रोल के भी स्विच यहाँ मिल जाते हैं। हैंडल में पीछे की तरफ आपके पास यहाँ पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक में काफी अच्छी बात है। और ड्राइव इंप्रेशन में इसके बारे में हम बात करेंगे। इस साइड में आपके पास सारे वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और इस साइड आपके पास यहाँ हेडलाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और हेडलाइट में आपके पास यहाँ ऑटो फंक्शन भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको इस कार में देखने को मिलती है। और कुछ इस तरह का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अभी बात कर लेते हैं ऊपर की। यहाँ आपके पास ड्राइवर साइड सनशेड में भी वैनिटी मिरर दिया गया है और वैनिटी मिरर के साथ साथ आपको यहाँ लाइट भी देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और बात करें को पैसेंजर साइड, तो यहाँ भी आपके पास वैनिटी मिरर और एक लाइट दी गई है। यहाँ आपके पास दो LED लाइट देखने को मिलती है, जिन्हें आप इस तरह भी ऑन कर सकते हैं। और इसी में आपको यहाँ माइक देखने को मिल जाता है। सनग्लास होल्डर भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट साइज का है। और इसके बाद आपके पास यहाँ सनरूफ देखने को मिलता है, जिसकी शेड आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। बाकी इसको आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा खोलने के लिए आपको ये दो बार प्रेस करना पड़ता है और वन टच में पूरा क्लोज भी हो जाता है। शेड आपको मैन्युअली क्लोज करनी पड़ेगी। अभी बात करें इसके IRVM की, तो कुछ इस तरह का IRVM आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक डिमिंग के साथ आता है। और इसमें कोई भी ब्लू लिंक वगैरह के बटन आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इस कार में ब्लू लिंक आता ही नहीं है। अभी बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो कुछ कुछ जगह आपको इसमें सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। जैसे ये जो पार्ट है, ये पूरा सॉफ्ट टच है और इधर आपको सारा हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। बाकी इतना जो पार्ट है, ये आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ AC वेंट देखने को मिलते हैं और उनके बीच में आपको यहाँ हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाता है। ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। नीचे अगर बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको देखने को मिलता है। और यहाँ आपके पास कुछ इस तरह का स्पेस देखने को मिलता है, जिसमें आप वायरलेसली अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और इधर आपके पास USB और AUX के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और इसको आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये काफी प्रीमियम टच दे रहा है इसको। और सेंटर कंसोल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपके पास कोई भी गियर नॉब देखने को नहीं मिल रही, जो कि जनरली कार में देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसमें गियर वगैरह नहीं होते, एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। और यहाँ आपके पास गियर सेलेक्ट करने के लिए बटन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके पास ड्राइव, रिवर्स, पार्किंग, न्यूट्रल, ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आपके पास यहाँ पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है, कोई भी हैंड ब्रेक वैसा आपको देखने को नहीं मिलता। और दो कप होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आपके पास यहाँ वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें कूल और हॉट दोनों ही फीचर आपको देखने को मिलते हैं। और दोनों ही जो सीटें हैं वो आपके पास वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। ऑटो होल्ड का स्विच आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और ड्राइविंग मोड भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी बात करें इसके आर्मरेस्ट की, तो काफी वाइड इसका आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलता है और लेदर फिनिश के साथ ही आता है, यानी कि सॉफ्ट टच आपको मिलता है। और बात करें इसके स्पेस की, तो काफी डीप स्पेस, काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलता है और एक छोटा सा स्पेस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। और अभी इसके सेंटर कंसोल की एक यूनिक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये टू फ्लोर में आपको देखने को मिलता है। एक आपको फ्लोर यहाँ मिलता है और एक नीचे आपको स्पेस दिया गया है, जिसमें आपके पास यहाँ एक 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है और एक USB पावर सॉकेट आपको यहाँ मिलता है और कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ मिलता है। तो देखने में काफी यूनिक और प्रीमियम टच देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की, तो ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है, मतलब सॉफ्टली ये डाउन आता है। और ग्लोव बॉक्स में आपके पास किसी भी तरह की लाइट या वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। डिसेंट सा स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। एक्सटीरियर आप पहले देख ही चुके। अब जो एक यूनिक चीज बची है वो है इसका हुड, जिसे आप यहां से ओपन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही, एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसमें आपको इंजन वगैरह देखने को नहीं मिलते। एक्चुअल में क्या चीज़ें, कैसी चीज़ें देखने को मिलती है, वो चलते हैं अभी इसके हुड को ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं। तो अंडर द हुड आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिखने में थोड़ा थोड़ा मतलब इंजन की तरह ही लग रहा है इस कवर की वजह से, बाकी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर है। और इन डेप्थ आपको सुनील जी बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, जो कि इस बैटरी से आपकी स्टार्ट होती है। और इसके अलावा इसको कूल करने के लिए इसमें ऑयल यूज़ किया जाता है और कूलेंट यूज़ किया जाता है। और अभी कंपनी की कुछ स्कीम चल रही है कि अभी नज़दीकी कुछ दिनों में अगर आप गाड़ी लेते हैं तो 3 साल तक ये सारा खर्चा कंपनी वहन करेगी। जो भी इसमें ऑयल डलेगा या कूलेंट वगैरह डलेंगे या ब्रेक पैड्स वगैरह भी डलेंगे, तो वो कंपनी दे रही है। अभी इसमें ये स्टार्टर बैटरी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग इसी को बैटरी मान लेते हैं कि इसी से ये गाड़ी चलती है। ये बैटरी नहीं है, बैटरी एक्चुअल में इसमें नीचे लगी हुई है फ्लोर में। उस बैटरी को
यहाँ पे पावर आकर के फिर मोटर में जाती है, तो फिर मोटर आपकी ड्राइव करती है। और इस कार का मैंने आपको दिखाया नहीं, इसका जो फ्लोर है वो भी थोड़ा ऊपर है, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ फ्लोर जो है इसका ऊपर दिया गया है, क्योंकि यहाँ इसमें बैटरी स्टोर की गई है। तो कुछ इस तरह से थी Hyundai Kona इलेक्ट्रिक, और ये है हमारे साथ सुनील जी, जो कि हिंदुस्तान Hyundai जयपुर में सेल्स कंसल्टेंट है, और इनका नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। आपको Hyundai की किसी भी गाड़ी के बारे में इंक्वायरी करनी है, आप इनसे डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड ड्राइविंग एंड बी सेफ।